जंतर मंतर के आज का सीन देख लो, यही है जंतर मंतर के आज के सीन। सारे फोर्स लगे हैं, हमारा सांकेतिक धरना के लिए हम लोग ने मंच तैयार किया है 276 डेज से, आज 276 डेज हमारा मंच तैयार है, जो 25 नवंबर को हमारा रेल रोको आंदोलन है। मैं आपको जंतर मंतर का सीन दिखा रहा हूँ, जो हमारा वेलकम के लिए फोर्सों को लगा कर रखा है, देख लीजिए जो हमारा वेलकम के लिए कितना फोर्स से लगाया हुआ है, आप देख लीजिए हमारा पीछे जो फाड़न हो रहा है, तैयार हो रहा है, जो कि सांकेतिक धरना है। आज हमारा कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, हम लोग मुश्किल से आज 10 आदमी कटा होंगे, बस इतना ही हमारा परमिशन है। कोई माइक लगाने के लिए हमें परमिशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर 10 आदमी के बीच में अगर सांकेतिक धरना का परमिशन आता है तो कोई माइक का जरूरत नहीं होता, ये सब जानता है। तो अभी जंतर मंतर का सीन में आपको दिखा दिया, आज हमारा 22 है, आज डेट 22 नवंबर जो आपको मैंने दिखा रहा हूँ, जो फोर्सन तैयार हो रहा है, जो कि ये हमारे लिए चेतावनी है और कुछ नहीं है, हमें सतर्क कर रहा है, जो कि हम लोग जो करने जा रहा है वो संवैधानिक तरीके से है। संवैधानिक तरीके से हम लोग ने रेल रोको आंदोलन के लिए मजबूर हुआ है, उस संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने सरकार को मेमोरेंडम्स दिया है, आप सब जानते हो। हम लोगों ने डेढ़ महीने पहले यहाँ पर रेल रोको आंदोलन के लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रपति जी का ऑफिस में लेटर भी दिया है। सरकार कितना भी अपना जान लगा दे, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जितना भी अपना जान लगा दे, 75 साल से बनाकर का वह गुलाम को तोड़ के ही हम जंतर मंतर छोड़ेंगे, जो कि हम पैसा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। हम पैसा का विसंगतियाँ का लिस्ट हमने सरकार को दिया है, उसके अंदर अंधे भी उसको पढ़ के देख के उनको पता चल सकता है जो विसंगति क्या है, इसलिए हमने अपने विसंगति का चार्ट दिया है, वर्कआउट करके दिया है, संवैधानिक अपना संवैधानिक तरीके से दिया है, आंदोलन करके दिया है। हर राज्य से पूर्व सैनिक बाहर निकल के जिला कलेक्टर द्वारा और तहसीलदार द्वारा, माननीय संसद द्वारा सरकार का आवास पहुंचाया है, लेकिन सरकार हमें तोड़ने में लगे हैं, हमारा ही लोगों को बीच में से खरीद के जो उसी में यूज़ कर रहा है, लेकिन हम जंतर मंतर पर डटे हैं। सबका सैनिक संघर्ष समिति ने पिछले 10 महीने से पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिकों को जगा दिया, आप जाग चुका है, आप देख लो हमें अपना मंजिल तक पहुंचना है। रेल रोको आंदोलन 25 तारीख को है, हमने उन्हीं का भी ट्रेल रेकी डिटेल भी हम लोगों ने सरकार को छोड़ा है, सरकार में खलबली मचा हुआ है, वो हमारा ये लोगों को यूज़ कर रहा है, किसी किसी संगठन को लगा के वो हमें तोड़ने में लगे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये जैसे जवान का आंदोलन है, जो ये क्रांतिकारी आंदोलन है, आपको ये ऐतिहासिक आंदोलन है, 75 साल से किसी ने इसी जैसा आवाज़ नहीं उठाया, आज हमने आवाज़ उठाया है, हमारा नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं। आप देख लीजिए हमें हमारे लिए बहुत प्रोटेक्शन लगा रहा है, सांकेतिक धरना लगे हैं, तो 25 तारीख को जो बिल्कुल बुलो मत, 25 तारीख को रेल रोक आंदोलन में नई दिल्ली पहुंचिए। जय हिंद।